छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांडुर्ना के मुख्यालय में गोटमार मेला नाम से एक अनूठा मेला हर साल पोया पर्व के दूसरे दिन भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। 300 सालों से जाम नदी के तट पर पांडुर्ना और सावरगांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर रस्म अदायगी करते हैं। इस खूनी खेल के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम पहले ही कर लिए थे। किंवदंती है कि सावरगांव की एक आदिवासी कन्या का पांडुर्ना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छुपे प्रेम विवाह कर लिया। जब लड़का और लड़की जाम नदी के बीच से गुजर रहे थी तभी सावरगांव के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। फिर इसकी जानकारी पांडुर्ना के लोगों को लगी तो पांडुर्ना के लोग भी जवाब में पथराव करने लगे। नदी के दोनों तरफ हुए उस पथराव में दोनों प्रेमी प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी में हो गई थी। अब इस स्थान पर यह पथराव रस्म अदायगी के लिए होता है। माँ चंडिका की पूजा अर्चना कर कोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। पहले सुबह 5 बजे से ही यह नदी के बीच में झंडा लगाकर लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से गाँव के निवासी सावरगांव और पांडुना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और विपरीत गाँव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है। पूरी गतिविधि में मां दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप की पीछ होती है। इस आयोजन में जय श्री राम बस सर्विसेज के मालिक और छिंदवाड़ा जिला प्रमुख शिवसेना संजय इंगोले ने भी अपने सहयोगी भारतीय विद्यार्थी सेना के विलास पराय, तरुण कोल्हे, चेतन सोरी, दिनेश केवट, सचिन तिड़के, राहुल मदनकर, कबीर मंडल, हिमांशु कटानी, कांति ठोनी, किशोर सातपुते आदि शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ इस आयोजन में शामिल हुए। ही परंपरा तर पुष्कळ दिवशी चालू आहे। आम्ही पैदैवाची असं त्याच्या पहिल्यापासून चालू आहे। मतलब हे म्हणजे पुराने लोक सांगते असे की का सावरगावची पोरगी होती पांडुर्णाचा पोरगा होता वा, ह्या तईपासून याचे चालू आहे। आम्ही जन्म वाचत होतो आम्ही त्याच्या पहिल्यापासूनच चालू आहे। तर गोटमार मेला बंद करायसाठी पुष्कळ लोकांनी कलेक्टर साहेबने एस पी साहेब बंद करायची कोशिश केली पण ते बंद नाही होऊ शकलं। भरपूरसा विरोध झाला या प्रथेला, तर या प्रथेला प्रतिसाद देण्याकरिता आपल्या गावकऱ्यांनी काय केलंय? कसं नाही, गावकऱ्याचं म्हणणं हेच होतं का गोटमार चालू राहिले पाहिजे। हे आमचा परंपरा मेला आहे, हा मेला बंद नाही व्हायला पाहिजे। काय कथा होती, हे कशामुळे सुरू झाली ही प्रथा? हे सावरगाव पेठची मुलगी थी, पोरगी होती आणि सा पांडुर्ण्याचा पोरगा होता। हे जर प्रेम असं काही झालं तर मग चिंदी माता मंदिर आमचं बनलं, सर पांडुर्णा शहर म्हणून चिंदी माता मंदिर बनलं आमचं। ही परंपरा चालत राहिली आणि परंपरा हे बंद होऊ शकत नाही आमची। तर भाई पुष्कळ प्रयत्न करून पाहिले पण बंद व्हायची शक्यता नाही। आपण एक व्यक्तिगत चर्चा केली होती, त्या चर्चेमध्ये असं दिसून आलं की ह्या जे देवस्थान आहे शक्ती बोलू तर आज आमच्या चिंदी माता मंदिरचं मतलब म्हणजे भाई मतलब पॉवरफुल साक्षात देवी आमची चिंदी माता। जो आमचा जो झेंडा आहे, झेंडाचे जो मानवीय लोक पूजा किए बिगर रहते नाही। बहुत माना हुआ काम है हमारे झेंडे का, जो सावरगाव वाले बीच में नदी के बीच में अंदर बीच में गाड़ते हैं उसकी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो झंडा काटते, काटने के बाद चंदी माता मंदिर के पास लेके जाते, फिर पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद लेते, गोटमार का समाप्त कर देते।